पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे 8 पार्टियों के 12 नेता। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में उठी आरक्षण की मांग। कश्मीरी पंडित बोले, हम भी हैं साझेदार, घाटी में जल्द कराए जा सकते हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, आज सूरत कोर्ट में होंगे पेश। पीएम पर मोदी उपनाम को लेकर दिया था बयान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का बढ़ा आक्रोश, आज सहारनपुर से निकलेगी ट्रैक्टर यात्रा, कल गाजीपुर बॉर्डर पर करेगी कूच। राजस्थान में सीएम गहलोत और पायलट गुट में रार जारी, एमएलए इंद्रराज मीणा बोले, पायलट बाहरी नहीं भारी नेता हैं, पायलट गुट ने किया पलटवार। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम का संग्राम अब भी जारी, ममता की याचिका पर सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट, ममता ने चुनावी नतीजों को दी है चुनौती। महामारी के बीच बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा का नया फरमान, वैक्सीन न लगवाने वाले विधायकों को बिहार विधानसभा में नहीं मिलेगी एंट्री। मध्य प्रदेश में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज, भोपाल में नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, पार्टी में बगावत को लेकर भी मंथन संभव। रेल यात्रा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शाही ट्रेन कल शाम पहुंचेगी कानपुर, 15 साल पहले कलाम ने किया था सफर। भारत में महामारी के 54,000 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 1321 लोगों ने गंवाई जान, एक्टिव केस 3% से नीचे। भारत और चीन के बीच आज होगी WMCC की अहम बैठक, सीमा पर तनाव घटाने के उपायों पर होगी बात, दोनों देशों के बीच होनी है सैन्य कमांडर स्तर की वार्ताएं। फिर बढ़ी महामारी की रफ्तार, ब्राजील में महामारी ने बनाया रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 1,15,000 नए केस। जेल में मृत पाए गए एंटीवायरस कंपनी मैकेफी के मालिक, स्पेन की अदालत पर 53 को दी थी मंजूरी, टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के लगे थे आरोप। वॉरेन बफेट का बड़ा फैसला, वॉरेन बफेट ने गेट्स फाउंडेशन से दिया त्याग पत्र, अपनी आधी संपत्ति भी दान की। क्यूबा के खिलाफ एम्बार्गो ने यूएन में दिया प्रस्ताव, एम्बार्गो की आलोचना वाले यूएन के प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने डाला वोट। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 152.78 अंकों की तेजी के साथ खुला, निफ्टी में 38.20 अंकों की बढ़त। जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ, मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंची 104 रुपये के करीब, डीजल भी 95 रुपये के पार। इंफोसिस के पूर्व CEO SD शिबूलाल को सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, नौकरशाही में सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख को भेजा नोटिस, आज थाने में पेश होने का आदेश, अधिकारियों के कहने के बाद भी नहीं हटाए ट्वीट्स। और आज होगी रिलायंस इंडिया लिमिटेड की 44वीं वार्षिक आम बैठक, हो सकते हैं कई बड़े ऐलान, तेल कंपनी सऊदी अमारकों के साथ डील पर महत्वपूर्ण घोषणा भी संभव।